राखी सावंत और सोनाली फोगाट को लगाई है सलमान खान ने फटकार। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सोनाली फोगाट और राखी सावंत जो है इन दोनों को भी लगाई है सलमान खान ने फटकार वीकेंड के वार में। जी दोस्तों, वीकेंड के वार में जहाँ पर राखी सावंत को फटकार इसलिए लगाई गई सलमान खान द्वारा क्योंकि उन्होंने एली गोनी के साथ कुछ ओछी बातें की थी और उसी के साथ साथ सोनाली फोगाट जो है उनको भी फटकार लगाई गई है सलमान खान द्वारा क्योंकि सोनाली फोगाट ने कुछ खरी खोटी सुनाई है रुबीना दिले को। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि राखी सावंत जो है उनके सपोर्ट में आए थे सलमान खान लास्ट टाइम, पर इस बार जब राखी ने कुछ गलत किया है तो उनको माफ भी नहीं करने वाले सलमान खान। जी दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा से भाईजान जो है सही बात जो है उसी के साथ खड़े होते हुए नजर आए हैं और इस बार इतने जोरों से उनको फटकार लगाई है कि यहाँ तक कि सोनाली तो शर्मिंदा है ही शर्मिंदा महसूस करते हुए नजर आ रही है, पर वहीं फिर राखी सावंत भी रुआंसी होते हुए नजर आ रही है। तो अब सलमान खान जो है ये सबको बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि यहाँ पर वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी की भी गलती को नज़रअंदाज नहीं करने वाले हैं और रूल्स जो है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे बिग बॉस के घर में अगर उन्हें टिके रहना है। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है भाईजान के इस स्टैंड के बारे में, इस स्ट्रिक्ट नेचर के बारे में, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इस शो में आए हैं जया प्रदा और राज बब्बर और तब जया प्रदा ने किया है एक बड़ा खुलासा। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जया प्रदा जी जो है वो अपने एरा की एक जानी मानी हीरोइन हसीना रह चुकी है और अब वो कई सालों के बाद वापसी करने जा रही है और उन्होंने जो अपने फिल्म का जो प्रमोशन है वो करने वो आई है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इस शो में। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल जो हम सभी जानते कितने नटखट है, उन्होंने जया प्रदा जी को ये पूछा है कि आखिरकार उनके ऐसे कौन से को स्टार थे या को एक्टर थे जो उनके साथ फ्लर्ट किया करते थे। तो थोड़ी सी शर्माते हुए जया जी ने कहा की धर्म जी। जी दोस्तों, तो धर्मेंद्र जी जो है वो बड़े ही एक तरीके से नॉटी किस्म के हैं और ये हम सभी जानते हैं और वो बहुत ही मज़ेदार इंसान है और जया प्रदा जी ने यूरो बहुत ही शाइली बहुत ही इज्जत के साथ उनका नाम लिया है। तो इस प्रकार से तब भी फ्लर्टिंग होती थी और अब भी फ्लर्टिंग होती है, बस अब के तौर तरीके अलग है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इसके बारे में, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। राहुल वैद्य के लिए सलमान खान ने ले लिया है अपनी क्रिएटिव टीम से पंगा। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य और सलमान खान के बीच बहुत बार नोकझोंक होते हुए हमने वीकेंड के वार्स में देखा है जहां पर सलमान खान लगाते हैं फटकार राहुल वैद्य को। दोस्तों हालांकि आजकल के वीकेंड के वार में ये देखा जाता है कि राहुल वैद्य को एक तरीके से इग्नोर किया जाता है या राहुल वैद्य से इतने प्यार से बातचीत नहीं करते हैं भाईजान। अब क्रिएटिव टीम जो टीम है वो ये डिसाइड करती है कि आखिरकार भाईजान किस सदस्य से किस प्रकार से डील करेंगे। अब ये देखना है कि आखिरकार क्या भगोड़ा वाकई सलमान खान का शब्द है या क्रिएटिव टीम ने उनको ये शब्द यूज करने के लिए कहा था, क्योंकि जब से राहुल वैद्य घर के अंदर री एंटर हुए हैं तभी से सलमान खान का बर्ताव जो है राहुल वैद्य के प्रति वो थोड़ा सा चेंज होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अब ये देखना है कि किस प्रकार से सलमान खान जो है वो अपने अंदाज में राहुल वैद्य के साथ हंसी मजाक करते हैं, किस प्रकार से उनको फटकार लगाते हैं और किस प्रकार से उनकी टांग खिंचाई करते हैं दिशा परमार के बारे में। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और इसके लिए हम सभी उत्सुक हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि भाईजान ने ले लिया है ये बड़ा सा पंगा सिर्फ और सिर्फ राहुल वैद्य के लिए। तो आपको क्या लगता है बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है।
दोस्तों वाकई अब हमारी भाभी जो है वो वरुण धवन के सामने खड़ी होने वाली है, क्योंकि वरुण धवन जो है वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं इस महीने। जी दोस्तों 2021 की पहली बॉलीवुड की शादी होने जा रही है और वो कर रहे हैं वरुण धवन एंड नताशा दलाल। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 2021 ये जो साल है ये हम सभी के लिए एक होपफुल साल है, क्योंकि 2020 में हम सभी ने देखा कि कितनी समस्याएं आई, क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अब 2021 की शुरुआत जो है वो हमारे हीरो यानी वरुण धवन जो है वो करने जा रहे हैं शादी के बंधन में बनने के बाद। और 2021 ये साल है जहां पर हमने बहुत सी गुड न्यूज भी सुनी है, तो अब ये नई गुड न्यूज है कि वरुण धवन शादी कर रहे हैं अलीबाग में अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नताशा दलाल के साथ। जी दोस्तों अब ये दोनों जो है इन्होंने अपने रिलेशनशिप को तो एक्सेप्ट कर लिया था और अब फाइनली वरुण धवन कर रहे हैं शादी और शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, बनने वाले हैं दूल्हे राजा अलीबाग में। हालांकि इस पर कोई भी अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है और डेट रिवील नहीं हुई है, बस डेट रिवील होनी बाकी है और फिर पापराजी पहुंचेगी वरुण धवन के बारात में। आप कितने एक्साइटेड हैं वरुण धवन को वाकई रियल लाइफ में दूल्हे राजा के रूप में देखने के लिए, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सोनाली फोगाट और रुबीना दिलेक के बीच छिड़ गई है जंग। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सोनाली फोगाट जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट के तौर पर आई थी बिग बॉस सीजन 14 के घर और कुछ ही हफ्ते हुए हैं उन्हें बिग बॉस सीजन 14 के घर आए हुए। अब मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में टास्क चल रहे हैं और वहीं पर रुबीना दिलेक जो है उन्होंने सोनाली फोगाट के बैग का जो टैग था, उनके नाम का टैग जो था उसको फाड़ कर फेंक दिया, निकाल दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि सोनाली फोगाट जो है वो डायरेक्टली तो बात नहीं कर रही है, पर निकित अंबोली से उनकी बातचीत हो रही है और तब वो कहती है कि जिसने भी मेरे बैग का जो टैग है, मेरे नाम का जो टैग है उसे फाड़ कर फेंक दिया है वो हरामजादी है। जी दोस्तों तो यही बात सुनकर के पास में खड़ी रुबीना दिलेक जो है वो कहती है उनसे आकर के कि यार आप मुझे इस प्रकार से बातचीत ना करें तो ही बेहतर होगा, बिकॉज आपको मैंने माँ का दर्जा दिया है और आप माँ बनने के लायक नहीं है अगर आप अपनी बेटी को हरामजादी कहती है। तो वहीं पर सोनाली फोगाट जो है और रुबीना दिलेक जो है इन दोनों के बीच गर्माहट पैदा हो जाती है और दोनों भी जो है वो एक प्रकार से घमासान में पड़ते हुए नजर आते हैं, जहां पर सोनाली फोगाट ये कहती है कि मैंने आपको कोई भी बात डायरेक्टली बोली नहीं है, आप इसमें बीच में क्यों आ रही है, क्यों बीच में टांग अड़ा रही है और इस बीच इन दोनों के बीच तू-तू मैं शुरू हो जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये देखना है क्या इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है सोनाली फोगाट के तरफ से, क्या उसके लिए सलमान खान जो है वो उन्हें फटकार लगाएंगे, क्या लगता है आपको, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सलार का लॉन्च है कल और कल इस लॉन्च के लिए फैंस जो है वो आज से ही एकदम तैयार हो गए हैं और ट्रेंड करना शुरू कर दिया है उन्होंने हैशटैग सलार लॉन्च। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सलार ये जो फिल्म है ये प्रशांत नील की फिल्म है और प्रशांत नील ने हाल ही में KGF चैप्टर 2 को रैप अप कर दिया है और सलार ये फिल्म प्रभास के साथ वो स्टार्ट करने के लिए हो गए हैं एकदम रेडी। कल यानी 15 जनवरी को मुहूर्त है इस फिल्म का, यानी पूजा होने वाली है और किक स्टार्ट हो जाएंगे सारी की सारी तैयारी सलार इस फिल्म के लिए। सलार इस फिल्म में प्रभास जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार प्ले करने वाले हैं और इसका जो फर्स्ट लुक है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और वायरल हो गया था। अब मैं आपको ये बता दूं कि सलार इस फिल्म से अब प्रभास से अब हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ये तो समझ में नहीं आ रहा, पर
यार प्रशांत नील की फिल्म है और एक्टर और डायरेक्टर ड्यू ही इतना कमाल का है तो फिल्म भाई कमाल की ही होने वाली है। अब सिर्फ इंतजार है कब KGF चैप्टर 2 रिलीज हो जाता है और उसके बाद हम सभी को इंतजार रहेगा प्रभास को सलार इस फिल्म में देखने के लिए। आप कितने उत्सुक हैं सलार के लॉन्च के लिए कल बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज।